हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई कमलजीत कमिट टू बी विजुलाइज एंड बेयर इन माई माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रॉमिस टू फॉलो एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, टू ऑलवेज वेयर अ मास्क स्पेशली वैन इन पब्लिक प्लेसेस, टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स, टू वॉश माई हैंड फ्रिक्वेंटली एंड थरली विथ सोप एंड वाटर. टुगेदर वी विल विन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अप टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट साइज ऑफ अ सेल. Size of a cell is greatly variable. Some of the cells can be seen with the help of unaided eyes, but most of the cells are too small to be seen with the naked eyes. अब बच्चा, आपको पता है कि जो सेल की अगर हम साइज का डिस्कशन करें तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे सेल्स क्या होते हैं, अनएडेड आइज, मतलब आप उसको न्यूड आई से नहीं देख सकते हो, नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, आप किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प की वजह से ही उसको देख सकते हो. एवरेज साइज होता है एनिमल सेल का, वो वेरी करता है 5 to 20 micrometer. 1 micrometer का 1/1000 millimeter, बट इट मे बी अ स्मॉल ऑफ 0.1 micrometer. इन डायमीटर एज अ माइक्रोप्लाज्म PPLO प्लोरोपिनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म विच इज द स्मॉलेस्ट नॉन सेल. अब जो माइक्रोप्लाज्म्स होते हैं बेटा, ये सबसे छोटे सेल होते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन से है, तो वो माइक्रोप्लाज्म्स होते हैं. इट मे बी अ लार्ज एज 15 centimeter डायमीटर. ये 15 centimeter डायमीटर तक ही लार्ज हो सकते हैं एज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच. इट मे बी एज लॉन्ग एज 1 meter इन द लेंथ एज इन द केस ऑफ सम नर्व सेल्स. अब जो ये माइक्रोप्लाज्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं, ये ऑस्ट्रिच के एग जितने 15 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं, और ये 1 meter लेंथ तक भी हो सकते हैं, अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नर्व सेल्स. तो ये क्या था, साइज ऑफ सेल्स, डिफरेंट साइज के सेल्स होते हैं. स्मॉलेस्ट ऑफ सेल्स अ ग्रेटर इफिशियंसी. स्मॉलनेस ऑफ सेल, स्मॉलनेस ऑफ सेल ग्रेटर इफिशियंसी मीन्स द स्मॉलर सेल्स आर मोर इफिशियंट एंड मोर एक्टिव मेटाबॉलिकली बिकॉज ऑफ हायर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड हायर सर्फेस एरिया वॉल्यूम रेशियो. अब बेटा, जितना ज़्यादा साइज सेल का स्मॉल होगा, वो ज़्यादा इफिशियंट होगा एक्टिव मेटाबॉलिकली. ओके बेटा, अब बच्चा, जितना ज़्यादा सेल का साइज स्मॉल होगा, उतना ज़्यादा वो इफिशियंट होगा, उसमें हायर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा, हायर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो होगा. द हायर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो अलाउ द न्यूक्लियस टू हैव बेटर कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. अब बच्चा, जितना ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो अलाउ करेगा न्यूक्लियस को प्रॉपरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में. वेयर इज द हायर सर्फेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अलाउ क्विकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. अब बच्चा, जितना ज़्यादा एरिया होगा, सर्फेस एरिया होगा वॉल्यूम रेशियो का, उतना ज़्यादा जो मटेरियल का एक्सचेंज प्रॉपरली होगा सेल और उसकी सराउंडिंग्स में. ठीक है, जितना ज़्यादा स्मॉलनेस सेल होगा, उतना ज़्यादा इफिशियंट होगा. क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस है, वो बेटर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा. जो हायर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या है, वो अलाउ करेगा प्रॉपरली मटेरियल का एक्सचेंज, किसमें? सेल और उसके सराउंडिंग्स में. नाउ शेप ऑफ द सेल. शेप ऑफ डिफरेंट सेल इज़ वेरिएबल, इट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब जो सेल का शेप है, वो वेरी करता रहता है बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर, फंक्शन परफॉर्म, किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेल. अब जो ये, इसका शेप फ्लैटन भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, क्लिमनर भी हो सकता है, डिस्कोइडल भी हो सकता है, स्फेरिकल, अवॉइड, एलिप्सोइडल, राउंडेड, बेल शेप, स्लीपर लाइक, ये सब क्या है, सेल के क्या है, शेप हैं. अब ये क्या है बच्चा, डाइवर्सिटी इन द शेप ऑफ सेल्स. शेप ऑफ सेल्स में किसी ऐसे डाइवर्सिटी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ नंबर ऑफ सेल्स. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज हैड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. इट इज़ नोन दैट द सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, पमीशियम, यूग्लेना. देखो बच्चा,
मैग्नीफाइज लेंस के इन्वेंशन के बाद हमको पता चला कि सेल भी होते हैं, और जो एक सिंगल सेल से भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे? जो अमीबा होते हैं यूनिसेलुलर्स में, सिंगल सेल से वो अपनी पूरी लाइफ प्रॉपरली कर लेता है, ठीक है, जितना भी सब कुछ करना एक सिंगल सेल से। तो ये सब हमको इन्वेंशन के बाद ही पता चला। ऑन दी अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। अब दूसरी तरफ बात करें तो जब बहुत सारे सेल होते हैं, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कैसे फंगाई, प्लांट एंड एनिमल्स, ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर्स होते हैं, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेल्स ग्रुप में मिलकर लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ना स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ऑल दो देर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी, जो सेल के स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी मतलब बच्चा डिफरेंट डिफरेंट के हैं, ठीक है, सेम नहीं होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान इन द सिमिलर इन द सेल, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान होता है वो सिमिलर होता है सारे सेल्स में, बट उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस एज जनरलाइज सेल। अब उसके बाद है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ईच यूकैरियोटिक सेल इज डेलिमिटेड बाय अ डेलिकेट थिन इलास्टिक बट फीम सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। केमिकली इट इज मेड अप ऑफ बिलायर और लिपिड इंटरस्प्रेड विथ प्रोटीन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बींग सेलेक्टिवली परमिएबल अलाउ ओनली यूजफुल सब्सटेंस टू डिफ्यूज इन एंड हार्मफुल सब्सटेंस टू डिफ्यूज आउट। ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चा? ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल मतलब प्रोकैरियोटिक होता है, और यूकैरियोटिक सेल मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल्स प्लांट्स, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं? ऐसे सब्सटेंस को सेल के अंदर एंटर करने देता है जो यूजफुल है, और हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है, ठीक है। इन दिस वे इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल इन। अब इसका मेन काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? आपको कुछ याद नहीं रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल है, ये सब यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये क्या करता है? हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है, और सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस को एंटर करने देता है, ठीक है। ये मटेरियल्स के फ्लो को इन और आउट करता है। इससे ज़्यादा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करता है, मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इट अलाउ ओनली यूजफुल सब्सटेंस टू एंटर इनटू द सेल। इट डज नॉट अलाउ हार्मफुल सब्सटेंस। इट प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी टू द सेल। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको समझ आ गया। अब सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? इन केस ऑफ प्लांट सेल, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अ नॉन लिविंग ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। द सेल वॉल इज फ्रीमली प्रीएमेबल अलाउंग द सब्सटेंस इन सॉल्यूशन टू एंटर और लीव द सेल। इट गिव शेप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एज वेल एज इलास्टिसिटी टू बेयर द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। देखो बेटा, सेल वॉल, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल में सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। अब ये क्या करते हैं? आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अ नॉन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक नॉन लिविंग और रिजिड सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक ऊपर से एक और वॉल होती है जो कि नॉन लिविंग होती है और बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और वो किससे मिली बनी हुई रहती है? सेलुलोज से बनकर बनी रहती है। और ये सेल वॉल क्या करते हैं? फ्रीली प्रेमेबल है, मतलब सारे सब्सटेंस एंटर कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं सेल से, ठीक है। ये क्या करता है? शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब ज़्यादा तकलीफ, स्ट्रेस और स्ट्रेन सहने की शक्ति देता है, बियर दी स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ये कहाँ होता है? बिटवीन दी सेल वॉल ऑफ अडजॉइनिंग सेल अ गैलेटिनियस मिडिल लैमेला रिच इन पेक्टिन इज प्रेजेंट। इट हेल्प टू होल्ड दी सेल टुगेदर। ये सेल्स को एक साथ इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब ये फंक्शन क्या है? शेप सेल की प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी एज वेल एज इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन बेयर करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके,
डू यू नो, आपने पढ़ना है ठीक है। फाइबर्स ऑफ कॉटन, जूट एंड कोकोनट विच आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू आर दी सेल वॉल्स ऑफ डेड सेल। इनमें जो सेल वॉल्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? डेड सेल से बनी हुई रहती है। नाउ साइटोप्लाज्म क्या होती है? बल्क ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ डेंस विस्कोशियस कोलाइडल मास कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो सेल किससे बना हुआ रहता है? साइटोप्लाज्म, जो कि डेंस विस्कोशियस कोलाइडल मास है। ये किसमें प्रेजेंट होता है? बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर का होता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। जैसे अगर सेल वॉल के स्ट्रक्चर पढ़े तो ऊपर न्यूक्लियस सेंटर में जो सेंटर का जो एरिया होता है वो किससे भरा हुआ रहता है? पूरा साइटोप्लाज्म के साथ पूरा फिल होता है। ठीक है बच्चा, लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, अब इसमें साइटोप्लाज्म कहाँ है? ये एरिया को, ये जो है फ्लूड टाइप का सब्सटेंस, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। प्लांट, ये क्या है? ये प्लांट सेल है। और ये क्या है? एनिमल सेल है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है बच्चा, और ये जो एरिया है जो फ्लूड टाइप का सब्सटेंस है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इसमें। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ये साइटोप्लाज्म एक सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिंस, अ ट्रू सोल्यूशन ऑफ मिनरल है। ये पूरे मतलब सारे अच्छे मिनरल्स का पूरा सोल्यूशन है। इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ ऑल द मेटाबोलिक एक्टिविटी डेट टेक प्लेस। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबोलिक एक्टिविटीज है, फिजिकल मेटाबोलिक एक्टिविटीज इसी की वजह से हो रही है। ठीक है, नाउ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या है बच्चा? इन दिस सेल साइटोप्लाज्म देर आर प्रेजेंट न्यूमरस। अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर ना बहुत ज़्यादा लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक। द लिविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर कॉल्ड। जो लिविंग साइटोप्लाज्मिक है उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं उनको डाइटोप्लाज्मिक और एर्गेस्टिक बोलते हैं। अब जो ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, वो डेफिनेटली वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं ना। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग है उनको डाइटोप्लाज्मिक और एर्गेस्टिक बॉडीज बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया? ऑर्गेन एंड ऑर्गेनल क्या होता है? ऑर्गेन इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेट परफॉर्म्स। ऑर्गेन क्या होता है? एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गेनल एक पार्ट्स होते हैं सेल के जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक। ऑर्गेनल अपने लास्ट टू लास्ट सिक्स क्लास में आपने डिस्कस किया, हमने शायद एट्थ में भी किया सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गेन्स, आपके सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेन्स है। लुक, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, रिबोसम्स, एंडिकुलम, रेटिकुलम्स, ये सारे क्या है? ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हैं। जो लिविंग है उनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो डेड हैं उनको डाइटोप्लाज्मिक बोलते हैं। नाउ सेल ऑर्गेनल्स ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। फर्स्ट ऑर्गेनल इफ वी डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइन चैनल। इट प्रेजेंट आउट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इट इज विजिबल अंडर द एंडोप्लाज्मिक, एक लिटिल ऑर्गेन है सेल के अंदर। अब ये क्या करता है? ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल मीन्स, यूकैरियोटिक सेल मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो सेल होते हैं ना, मतलब यूकैरियोटिक, और भी क्या बोल सकते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब कि जिनमें एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर इस टाइप के सेल्स होते हैं, और सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे सेल का ऑर्गेनल है जो प्लांट और एनिमल्स में, बिग एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब में मिलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो,
इट इज़ कनेक्टेड विद, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, गॉल्गी बॉडीज एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑफ, ये टू साइज के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू साइज के होते हैं, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये इसका रफ अपियरेंस होता है, मतलब थोड़ा रफली सा दिखता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ग्रैनुअल स्ट्रक्चर्स, ये देखो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स है ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. इस ग्रैनुअल्स को हम क्या बोलते हैं, रिबोसम्स बोलते हैं. इसकी ये इसके सरफेस सरफेस के ऊपर ना, इस टाइप का सरफेस है बच्चा, इनके ऊपर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं रिबोसम्स. इनका जो सरफेस जो होता है वो थोड़ा रफ होता है, ठीक है बेटा. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज़ फाउंड मोस्टली इन दी आउटर पार्ट, साइटोप्लाज्म के आउटर पार्ट में होता है, इसका स्मूथ अपियरेंस होता है और इसमें कोई रिबोसम सरफेस में नहीं होते, ठीक है. ER टू टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनका फंक्शन क्या होता है, ये साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, मतलब सेल को पूरा फ्रेमवर्क सपोर्ट करते हैं. ये प्रोवाइड करते हैं इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ये प्रोवाइड करते हैं सेल सिक्रीशन और स्टोरेज में हेल्प करते हैं. इट कीप्स वेरियस ऑर्गेनल्स, अब सारे ऑर्गेनल्स को अपनी अपनी जगह में प्लेस करके रखने का काम होता है. इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ओके. नाउ रिबोसम्स, जो ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं रफ सरफेस के ऊपर, वो क्या है, रिबोसम्स. दे आर यूजली फाउंड अटैच आउटर सरफेस, हाँ ER के आउटर सरफेस में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. रिबोसम्स आर दी स्मॉलेस्ट नॉन सेल, ये सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है. दे आर दी ओनली ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक यही ऑर्गेनल्स है जो हर एक टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. दे आर दी ओनली ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल, सारे सेल के टाइप्स में ये प्रेजेंट होते हैं. ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आप जो जो मैं लाइन अंडरलाइन करने बोल रही हूँ वो कर लो. ग्रुप ऑफ रिबोसम्स को क्या बोलते हैं, पॉलीसम्स बोलते हैं. फंक्शंस क्या है रिबोसम का, दे हेल्प इन दी प्रोटीन सिंथेसिस आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का काम इसी का होता है. माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो आप लोगों को पता है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पावर प्रोवाइड करते हैं सेल को, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया सीन एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर, अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो इस टाइप का ये आपको दिखाएगा, ठीक है. द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूस इनटू सेवरल फिंगर लाइक, जो इनर लाइनिंग है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं. द इनर मेम्ब्रेन इज स्टर्ड विद टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑक्सीसम्स. The inner membrane is stirred with tennis racket like structure called ऑक्सीसम्स और elementary particles. The main boundary of the inner membrane is called inner chamber. देखो बेटा, इन सबको inner membrane बोल रहे हैं, ये outer membrane है, ये अंदर का जो side उसको inner membrane बोल रहा है. ये क्या है बेटा, mitochondria का जब आप electron microscope से देखोगे तो उसका structure इस तरीके का होता है. इट इज़ फॉल ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज जो ये ग्राउंड सर्फेस को क्या बोलते हैं, ये पूरे को मैट्रिक्स बोलते हैं. ये क्या है, इसमें प्रॉपरली इंजाइम्स होते हैं. द मैट्रिक्स इज रिच इन इंजाइम्स नीडेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं, ओके. अब फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जो कि फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी को रिलीज करता है. किस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है, एटीपी के फॉर्म में. द स्टोरेज एनर्जी फैसिलिट वेरियस जो भी एनर्जी स्टोर होते हैं उससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल. गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी अपैरेटस और गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं इसको. This is the diagram. अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये इस तरीके का दिखेगा. It is a pile of flattened sacs named Christiani along with small vesicles and tubules present usually near the nucleus. In case of plant cells, there are called dactosomes found distributed throughout the cytoplasm. Okay, बेटा, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में रहता है. अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये डाइक्टोसम्स बोलते हैं इसको, जो कि साइटोप्लाज्म में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है. जैसे माइक्रोबॉडीज प्लाज्मा होते हैं ना, जो नॉन लिविंग, जो प्लांट सेल्स में नॉन लिविंग का वर्क करता है ये डाइक्टोसम्स.
यहाँ पर जो प्लांट सेल में ये डेक्टोसम्स की तरह वर्क करता है, जो कि साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, ठीक है। ये थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होता है डेक्टोसम्स, ये भी लिविंग है, ये लिविंग ऑर्गेनल्स है। फंक्शन, द गॉल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेनली कंसर्न विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब मेनली क्या क्या है, ये सिक्रीशन होता है, मेम्ब्रेन फ्लू है, फॉर्मेशन होता है एक्रोसम ऑफ स्पर्म्स, वेटोलिजिनस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, यॉक का फॉर्मेशन भी यहाँ इसकी वजह से होता है, लाइसोसम्स का फॉर्मेशन भी इसकी वजह से होता है। लाइकोसम, लाइसोसम्स क्या है बताइए, छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज है, माइक्रो बॉडीज, दीज आर स्मॉल स्फेरिकल और राउंडेड बॉडीज बाउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। ईच टाइप ऑफ माइक्रो बॉडीज एसोसिएटेड विद सम स्पेसिफिक एंजाइम्स। अब माइक्रो बॉडीज़ क्या है बेटा, ये एक स्मॉल स्फेरिकल और राउंडेड बॉडीज है, बाउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। ईच टाइप ऑफ माइक्रो बॉडीज एसोसिएटेड, जो छोटे छोटे माइक्रो बॉडीज है वो एसोसिएट हुए हैं कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स के, विद सम स्पेसिफिक एंजाइम्स। द मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो बॉडीज कौन सी है, लाइसोसम्स है, ठीक है। दे आर स्मॉल वेस्कुलर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म में होती हैं छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज है लाइसोसम्स। दे कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, जो लाइसोसम्स सिंगल क्या कंटेन करता है, 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। दिस एंजाइम्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फॉरिन बॉडीज एंड वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। जो ये एंजाइम्स है ये हेल्प करता है फॉरिन बॉडीज को डाइजेशन के लिए, ठीक है। इफ द एंजाइम्स आर रिलीज इन टू, अगर कोई भी एंजाइम्स रिलीज हो रहा है साइटोप्लाज्म में because of the rupturing of their limiting membrane, these enzymes can digest all the components of the cells. ये basically इसको साइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, दूसरे एंजाइम्स को डाइजेस्ट भी कर सकता है, डाइजेस्ट कैन डाइजेस्ट ऑल द कंपोनेंट्स, सेल के सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लेता है ये, दैट इज वाई लाइसोसम्स इज कॉल्ड द साइड बैग्स ऑफ द सेल। फंक्शंस के लाइसोसेम्स के, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, फॉरिन बॉडीज को डाइजेस्ट कर लगता है, डाइजेशन ऑफ वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स बाय द डाइजेशन ऑफ कार्टिलेक्स, मेटामॉर्फिसिस, कन्वर्शन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट्स। ओके बेटा, दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसेम्स। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रोसम्स। यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अदर टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज फाउंड इन द सेल्स आर पेरोक्सोमिस, ग्लाइक्सोसोम्स एंड स्फेरोसम्स। ये अदर माइक्रोबॉडीज है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइसोसम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। ओके बेटा, अगेन लर्न दिस चैप्टर एट होम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।